हाय एवरीवन, इट्स मी अमार खान। सो आज की वीडियो के अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट आर्ट पे काम कर रहा हूँ। इसका टाइटल है डेथ फॉरेस्ट ट्विन मोशन 2022। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक स्टैचू को इंपोर्ट किया है जो एज अ डेथ लेडी के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ये हॉरर सीन बेसिकली फैंटेसी है, तो इसलिए वो स्टैचू मैंने इम्पोर्ट किया। उसको मैंने बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया और उसके सराउंडिंग में मैंने ट्रीज ऐड कर दिए। अब ट्रीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ उनकी मेरी कोशिश ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉल ट्रीज़ हों और उनका डाया ज़्यादा से ज़्यादा हो, और थोड़ी 2 से 3 वैरायटी मैंने यूज़ की है ट्रीज़ की, ताकि सीन थोड़ा हैवी ना हो और वो नॉर्मल रहे, और जो एक वेरिएशन आनी चाहिए सीन के अंदर वो भी आ जाए। उसके बाद अब इस सीन को मैंने हॉरर का उसमें लेके जा रहा हूँ, तो नाइट टाइम मैंने चूज़ किया। पूरा नाइट टाइम सेट करने के बाद इसके अंदर मैंने फॉरेस्ट के अंदर, एक तो चीज़ होती है फॉरेस्ट यानी कि ट्रीज़ हो गए, आपके प्लांटेशंस होती है, उसके बाद आपका जो सरफेस है, ज़मीन है आपकी, वो कैसी है वो मैटर करती है। तो अब मैंने इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो ये स्टोन्स हैं वो मैंने ऐड किए हैं, वो आपको मेगा स्कैन लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल हैं ट्विन मोशन 2022 के अंदर। तो वैरायटी मैंने ऐड करी है, एक ही को मैंने रिपीट नहीं किया। तो अगर हम एक ही स्टोन्स को हम यूज़ करेंगे तो वो रिपीटेशन शो होगी रेंडर के अंदर। तो मैंने 2 से 3 डिफरेंट टाइप के स्टोन्स को लिया है और उनको डिफरेंट एंगल के ऊपर प्लेस किया है, ताकि एक हायरार्की क्रिएट हो सके और डिफरेंट टेरेन वाला लुक आए, जैसे जंगलों के अंदर होता है इररेगुलर सरफेस। उसके बाद अब मेरी इंटेंशन ये है कि जो मेरा टेरेन है, टेरेन के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी शो हो, ताकि हम जो भी चीज़ दिखा रहे हैं सामने या जो भी चीज़ें हम ऐड करेंगे उसके अंदर रिफ्लेक्शंस प्रॉपर आ सकें। जब मैंने पानी मैंने डाल दिया है, पानी डालने के बाद अब मैंने अपना सीन सेट कर रहा हूँ। सीन सेट करने के लिए मैंने सबसे पहले जो स्टैचू है मेरा उसको मैंने सही किया, उसको मैंने सेंट्रलाइज किया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर लाइट ऐड करी है और मैंने चूज़ किया रेड लाइट। अब रेड लाइट का मकसद ये है, रेड बेसिकली यूज ही डेंजर के लिए होता है, तो रेड डेंजर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद मैंने जितना भी हमारे सीन्स के अंदर दरख्त वगैरह हैं उनकी रोटेशन, उनका साइज़, उनका हर चीज़ को सेट किया, ताकि जो हमारा सीन जैसा मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट वो चीज़ वैसी आ सके। और उसके बाद मैंने जो ओमनी डायरेक्शन लाइट ऐड करी है उसके अंदर मैंने हेज का जो फीचर अवेलेबल है ट्विन मोशन के अंदर वो ऑन किया, ताकि एक फॉगी टाइप का लुक आता है, जिसमें जैसा आप देखते होंगे मूवीज़ के अंदर कि धुआं आ रहा है लाइट के अंदर से, उस टाइप का एक इफेक्ट क्रिएट होता है, सिनेमैटिक्स आप बोल सकते हो उसे, तो वो लुक क्रिएट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने, अब जाहिर सी बात है हॉरर सीन है, तो मैंने इसके अंदर एक लेडी ऐड की है ताकि डरने के लिए कोई तो चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने रिफ्लेक्शन ऐड करी। अब बेसिकली ट्विन मोशन के अंदर डायरेक्ट जो रिफ्लेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से टूल दिया है रिफ्लेक्शन का, तो वो आपको ऐड करना होता है, उससे रिफ्लेक्शन आपकी बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अब जो मेरा ये जो पानी का मटेरियल मैंने यूज़ किया है उससे रिफ्लेक्शन मुझे अच्छी लग रही नहीं थी, थोड़ी कमी लग रही थी, तो उसके बाद मैंने ओशन का इसके अंदर ट्विन मोशन में एक फीचर है वो उसको मैंने ऐड किया, ताकि जो वाटर का लुक है एटलीस्ट वो प्रॉपर आ सके। मैंने इसके अंदर और लाइट्स ऐड करी हैं। अब लाइट्स के अंदर आप जैसे देख रहे हो कि जैसे फॉगी लुक मैं आपको बता रहा था शुरू में कि फॉगी लुक आना चाहिए, अब जैसे धुआं इसमें से निकल रहा है, ये फॉग है, तो ये एक हॉरर सीन क्रिएट करने के लिए है बेसिकली। अब एक सामने की तरफ रेड लाइट है, अब पीछे की तरफ जो हमारे जहाँ से हम सीन सेट कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़े डार्क स्पॉट्स थे, हर चीज़ क्लियर विजिबल नहीं थी, तो इसके लिए मैंने एक और लाइट ऐड करी है ओमनी डायरेक्शन लाइट, और उसका कलर टोन जो है वो मैंने उसके अपोजिट रखा है, ब्लूइश टिंट है, ताकि जो भी हमारे डार्क स्पॉट्स हैं वो कवर हो सके और एक अच्छा बैलेंस क्रिएट हो सके लाइट्स का, लाइट एंड डार्क का और कलर कॉम्बिनेशन का, रेड एंड ब्लू। और उसके बाद मैंने बस अपने सीन सेट किए हैं। सीन अब नॉर्मली जो सीन्स मैं सेट करता हूँ वो वीडियो के अंदर 1 या 2 ही मैं शो करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं शो नहीं करता क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसके अंदर मैंने तकरीबन 20 सीन्स सेट किए हैं ट्विन मोशन के अंदर। जो इसकी सोर्स फाइल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर जिसको परचेस करना चाहता है वो परचेस कर सकता है, वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके।
और अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी सवाल है आप पूछना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप चाहते हैं मैं उसका आंसर दूँ आपको, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। तो जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूँगा मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँगा।